अस्सलाम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक और इफ्तारी और रमज़ान के अंदर में आपको काम आएगा। तो इसका नाम है चीज़ी ब्रेड फिंगर्स, यानी कि आप देखेंगे इसमें चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। आप अपनी पसंद की जो चीज़ है आप डाल सकते हैं। मैं आप इस्तेमाल कर रही हूँ मिच्योर चेडर चीज़ है, जिसे मैंने कद्दूकश किया हुआ है, ग्रेट करके रखा हुआ है। ब्रेड के स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे। मेक श्योर कीजिए कि ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो। आप देख सकते हैं कि फिर बहुत आसानी से आप देखेंगे आगे इसको रोल करना आसान होगा। साइडें जो हैं हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसे आप एक ग्राइंडर में डालें और उसका फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। वो भी हो चुका। बीच में जाएंगे स्प्रिंग अनियंस, बारीक इसको काट लीजिएगा। अंडों का इस्तेमाल है, यानी कि एग्स, कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, नमक यानी कि सॉल्ट, और चिकन पाउडर है यहाँ पर। यह आपको बहुत आसानी से मिल जाता है आजकल, जिस तरह के नोर के आपको क्यूब्स मिलती हैं उस तरीके से इसका पाउडर भी आपको बॉटल्स या जार्स में मिल जाता है। इसे हम करेंगे डीप फ्राई या शैलो फ्राई, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे। दिखाते हैं आपको उसको बनाना। क्या करना है कि अलहदा बोल ले लें, उसमें मैंने स्प्रिंग अनियंस डाल लिए हुए, और उसके बाद आप बीच में यहाँ पर ऐड करें जो कि आपकी चीज़ है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, चिकन का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। इसे अच्छी तरह पहले आप मिक्स करें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद आप साइड पर रख देते हैं। जो आपको अंडे दिखाए थे उसे आपने सिंपली बीट कर लेना है, और उसके बाद आपने जो है ब्रेड की स्लाइसेस अच्छी तरह ही देख लें। फ्रेश ब्रेड का ये फ़ायदा होता है, आपको दिखा दिया कि कितने आराम से, ये देखें कम्प्लीटली आप इसको जो है रोल कर लेते हैं और ये बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। इसी के से जितने भी आपके स्लाइसेस है पहले उन्हें आप रोल कर। फ्लैट कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, फिलिंग लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है, और इसको आपने स्प्रेड कर लेना है इवनली। स्प्रेड हो गया, उसके बाद आपने साइड से इसको उठाना है यहाँ से और बिल्कुल रोल करना है। ये देखें उंगलियाँ रखी हैं आपने यहाँ पर एजेस पर, और इसको आप रोल करते जाएंगे और टाइटली रोल कीजिएगा। ये देखें, ये देखें परफेक्टली रोल हो जाता है। साइड्स का आप फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि हमने इसे अभी अंडे में डालना है, डिप करेंगे। यहाँ पर एग है, इसी के से आप इसको रोल कर लेते हैं। रोल कर लेने के बाद जो आपके ब्रेड के क्रम्स हैं आप इसको इसमें डिप करेंगे। साइड्स भी जो हैं इसकी मिक्सचर कीजिएगा कि आप उस पर भी ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। काफ़ी दफ़ा आपके पास अगर फ्रेश ब्रेड ना हो और आप नहीं लगाना चाहते तो आप जो सादा डब्बे का मिलता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़रा ये अच्छा लगता है, ज़ाया क्यों की जाए कोई भी चीज़। इस तरीके से आप कर लेते हैं और बाकी के तमाम जो हैं तैयार कर लें, और उसके बाद उसको आपको दिखाते हैं कि फ्राई किस तरह करें। उसके बाद आपने क्या करना है, तेल गर्म कर लेना है फ्राइंग पैन में, और आपने सिर्फ इन्हें फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन हो जाए हर तरफ से। उसको निकाल करके पेपर टिश्यू में निकाल के ऐसे डिश आउट की गर्मा गर्म चीज़ी फ्राइड फिंगर्स एक आधा आपको काट के भी दिखा देते हैं। आप देख लें कितना क्रिस्प है ये, देख लें। अब इसमें से किस तरह की चीज़ भी जो है ऊज हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिखा दिया काट कर भी, और अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। वेबसाइट्स देखें, आपको दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँगी, छोटा सा मैसेज है कि फेक पेजेस हों या वेबसाइट्स उनसे प्लीज़ बचिएगा। जो मेरा ऑफिशियल फेसबुक है वो है कुक विद फायज़ा 786, और जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है वो है कुक विद फायज़ा .net। तो ज़रूर आइएगा, फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ कुक विद फायज़ा .net पर। नहीं तक कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।